वेलकम दोस्तों, क्लासमेट में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं परिपत्र के बारे में, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। परिपत्र को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। प्रस्तावना। जब कोई एक पत्र एक साथ अनेक व्यक्तियों, विभागों या शाखाओं को भेजा जाता है, तब उस पत्र को परिपत्र कहते हैं। इस प्रकार का पत्र केंद्रीय कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को या एक कार्यालय द्वारा अपनी विविध शाखाओं या अधिकारियों को लिखा जाता है। परिपत्र का अर्थ। परिपत्र को अंग्रेजी में सर्कुलर कहा जाता है। यह एक प्रकार का कार्यालयीन पत्र है जिसे विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में भेजा जाता है। परिपत्र को गश्ती पत्र भी कहा जाता है और परिपत्र द्वारा मंत्रालय आदि अपने संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों को विभागीय सूचनाएं, आदेश आदि भेजते हैं। परिपत्र भेजने वाला एक ही व्यक्ति होता है, विषय वस्तु भी एक ही होता है, लेकिन इसे आवश्यकतानुसार बहुत से कार्यालयों में भेजा जाता है। इसके साथ ही नीति विषयक तथा ऐसे विषयों के संबंध में जो चर्चा या जांच पड़ताल का विवरण रहे हो, शासन के विनिश्चयों को सूचनार्थ भेजा जाता है। परिपत्र की विशेषताएं। परिपत्र की विशेषताएं या स्वरूप। पहला, परिपत्र सदैव उच्च कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भेजा जाता है। दूसरा, परिपत्र में उच्च कार्यालय द्वारा लिया गया कोई विशेष निर्णय, विशेष प्रस्ताव, विशेष रियायत या किसी विशेष परिवर्तन या किसी अन्य विषय से संबद्ध सूचनाएं जो सर्वप्रभावी होती हैं, भेजी जाती हैं। तीसरा, एक परिपत्र में एक ही विषय होता है। चौथा, इसमें संबोधन नहीं होता। पांचवा, परिपत्र भेजने वाला उच्च कार्यालय होता है, वो आवश्यकतानुसार अधीनस्थ कार्यालयों को परिपत्र भेजता है। छठवां, इसकी भाषा आदेशात्मक होती है। सातवां, सामान्यतः परिपत्र टाइप या तंकित होते हैं। आठवां, इस पर अधिकारी के वास्तविक हस्ताक्षर होते हैं। नवां, इसकी प्रतिलिपियां अन्य कार्यालयों को भेजी जाती हैं। दसवां, ये शासकीय पत्र के प्रारूप में ही लिखा जाता है। ग्यारहवां, ये औपचारिक शैली में ही लिखा जाता है। बारह, इसकी विषय वस्तु सारगर्भित होती है, संक्षेप में ही पूर्ण विवरण दिया जाता है। तेरह, इसकी भाषा सरल, सुस्पष्ट, सुगठित होनी चाहिए। चौदह, परिपत्र में कार्यालय की सामान्य सूचना होती है। पंद्रह, परिपत्र कार्यालय में सामूहिक रूप से प्रभावशील होता है, अर्थात किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए समान महत्व का होता है। परिपत्र का प्रारूप या नमूना। कार्यालय, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर। दिनांक 12/8/2022। पत्र क्रमांक 8/99/2022। विषय, अस्थायी सहायक प्राध्यापकों के स्थायीकरण की सूचना। राज्य शासन ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक दिनांक 2/8/2022 के तहत यह निर्णय लिया है कि दिनांक 1/12/2022 तक शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अस्थायी सभी सहायक प्राध्यापकों को स्थायी कर दिया जाए। अतः सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि दिनांक 1 अक्टूबर 2022 तक ऐसे सभी सहायक प्राध्यापकों की सूची संलग्न प्रपत्र में निर्देशालय के पास भेज दें, ताकि उनके संबंध में आगामी कार्यवाही की जा सके। सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर। प्रतिलिपि, समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्रशासनिक इकाई राजपत्रित उच्च शिक्षा विभाग, महालेखाकार, रायपुर छत्तीसगढ़। निष्कर्ष। परिपत्र एक प्रकार का कार्यालयीन पत्र है जो उच्च कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों में भेजे जाते हैं। इसमें पत्र में विषय एक ही होता है, लेकिन पत्र का एक से अधिक कापियों अथवा प्रतिलिपियां तैयार किया जाता है और संबंधित कार्यालयों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भेज दिया जाता है।